नमस्कार, बोल के लब आजाद है तेरे, मैं अभिसार शर्मा। एक सीधा सा सवाल, क्या गुजरात के अंदर नफरत भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार है? मेरी बात को गलत मत समझिएगा दोस्तों, मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग जानते हैं कि गुजरात का मुख्यमंत्री कौन है? आप में से कितने लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इन चुनावों में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन है? मैं जानता हूं आप लोग में से कई पलटकर कहेंगे कि भाई कांग्रेस की तरफ से कौन मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार है, आम आदमी पार्टी की तरफ से कौन मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार है, मगर आप एक बात भूल रहे हैं, ढाई दशक से गुजरात में सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है और कोई और नहीं है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जो हैं, उन्होंने कितनी चुनावी सभाएं की हैं, उनके चेहरे को भारतीय जनता पार्टी कितनी बार पेश कर रही है? ना कोई ताकत, ना कोई अदावत, और चाहे पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहे, तेरे बोल पर अंकुश नहीं डाल सकते। बोल इलाहाबाद आजाद है तेरे। इन चुनावों में सिर्फ चार चेहरे दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी का तुरुप का पत्ता, सिर्फ और सिर्फ इस चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है और उसके अलावा कुछ नहीं। अमित शाह जो कि तमाम चुनावी सभाओं में अपना भाषण दे रहे हैं। अब आप कहेंगे दो बाकी चेहरे कौन है? दोस्तों, कहने को ये दो बाकी चेहरे दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, मगर उन्हें गुजरात के जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं उनसे ज्यादा अहमियत मिल रही है। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा। अब याद कीजिए, कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने क्या कहा था कि क्या नफरत भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार है? नफरत जो एक शब्द है, और मैंने आपसे ऐसा क्यों कहा इस बात पर गौर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पहले चरण की जो कैंपेनिंग है, चुनावी कैंपेनिंग है, वो खत्म हो चुकी है। 1 दिसंबर को वोट डाले जाने वाले हैं, मगर आपने गौर किया होगा कि ढाई दशक से सत्ता में रहने के बावजूद, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे हेमंत बिस्व शर्मा हो, या मुख्यमंत्री आदित्यनाथ हो, इन्होंने सिवाय नफरती बयानों को और नफरत को अपने चुनावी भाषण का हिस्सा बनाने के अलावा कुछ नहीं किया है। दोस्तों, मैं आपको एक एक करके मिसाल देना चाहता हूं। सबसे पहले गौर कीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुलेआम एक मंच पर खड़े होकर क्या बोलते हैं? वो एक समुदाय को आतंकवाद से जोड़ देते हैं, जो कि चुनाव आचार संहिता का खुला उल्लंघन है। खैर, चुनाव आयोग की क्या बात करना है, उनकी तो बात ही अलग है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगता है कि ढाई दशक तक सत्ता में रहने के बाद भी उन्हें जरूरत नफरत की है। अमित शाह की बात करें, अमित शाह ने भी अपनी चुनावी सभा में कहा कि 2002 के गुजरात दंगों में हमने कुछ लोगों को ऐसा सबक सिखाया कि उसके बाद गुजरात में कभी दंगे नहीं हुए। अमित जी, ढाई दशक से आप सत्ता में थे, अब भी आपको गुजरात दंगों का सहारा लेना पड़ रहा है। अब गौर कीजिए हेमंत बिस्व शर्मा पर। हेमंत बिस्व शर्मा कह रहे हैं कि समाज में बहुत जरूरी है कि मोदी जी सत्ता में रहें, ताकि आफताब जैसे लोगों को बढ़ावा ना मिल सके। कौन आफताब? जिसने श्रद्धा नाम की लड़की के को मौत के घाट उतार दिया था, बहुत ही विभत्स तरीके से। मगर हेमंत बिस्व शर्मा अपने अंध भक्तों को यह बताना भूल गए कि आफताब का वजूद इसी मोदी की सत्ता में रहा है। वो ये बताना भूल गए कि उसके बाद ऐसी ढेरों मिसालें आईं जिसके अंदर एक हिंदू परिवार ने एक पत्नी और उसके बेटे ने अपने पति के कई टुकड़े करके उसे फेंक दिया था, और ऐसी ढेरों मिसालें सामने उभर कर आईं। मगर हेमंत बिस्व शर्मा इस पर खामोशी साध गए। उनका मकसद क्या था? उनका मकसद बहुत साफ था। उनका मकसद यह था कि इस बयान के जरिए हिंदुओं और मुसलमानों में तुष्टिकरण हो, मुसलमानों के लिए हिंदुओं के मन में नफरत पैदा हो, और आप जानते हैं बीजेपी का इससे खेला हो जाता है। और यह ना भूलें, हेमंत बिस्व शर्मा ने कुछ दिनों पहले क्या कहा था, राहुल गांधी की तुलना सद्दाम हुसैन से कर डाली थी। अब इसके पीछे की चतुराई को भी समझिए। यह भाषण उन्होंने दिया था गुजरात में। सद्दाम, मुसलमान,
और एक बार फिर उसके सहारे जो है हिंदुओं और मुसलमानों में बेवजह का तनाव पैदा करना। अब मैं आपको मिलवाता हूं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की गोधरा में सभा हुई दोस्तों, और यहां पर बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया एक प्रतीक के तौर पर। इतने बड़े राज्य का मुख्यमंत्री और उपलब्धि के तौर पर आप सिर्फ बुलडोजर पेश कर सकते हैं, बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया था। आप भूल गए जब जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलाया जा रहा था तो उसे रुकवाया किसने था? अदालत ने रुकवाया था ना, उसे असंवैधानिक बताकर। और अब भी कई बार सुप्रीम कोर्ट में अपनी टिप्पणी में तमाम जजेस बुलडोजर के खिलाफ बोलते रहे, मगर बावजूद उसके भारतीय जनता पार्टी इसे अपनी बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश करती है। यह सब क्या बतला रहा है? और इन चारों लोगों में क्या समानता है? इन चारों लोगों में समानता यह है कि गुजरात की जनता का वोट हासिल करने के लिए आप सिर्फ नफरत का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके अलावा कुछ नहीं, जो अपने आप में कितनी बड़ी त्रासदी है कि आप अपनी उपलब्धियां नहीं गिना सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हर रोज रैली करनी पड़ रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हर रोज रैलियां करना क्या प्रधानमंत्री का काम है? देश के प्रधानमंत्री का क्या काम है? क्या वो चुनाव मंत्री हैं या प्रधानमंत्री हैं? और इसी मुद्दे को उठाया था मल्लिकार्जुन खड़गे ने। उन्होंने यही तो कहा था कि प्रधानमंत्री हर चुनाव में दिखाई देते हैं, क्या आप 100 सिर वाले रावण हैं? अरे आप तो प्रधानमंत्री हो, आपको काम दिया गया है वो काम करो, वो छोड़ के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन, एमएलए इलेक्शन, खैर एमपी इलेक्शन, उनको प्राइम मिनिस्टर बनना है तो फिरते रहते हैं, लेकिन हर वक्त अपनी ही बात करते हैं। आप किसी को मत देखो, मोदी को देखकर वोट दो। भाई तुम्हारे को तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना, कॉरपोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन भी तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना, हर जगह कितने हैं भाई? क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है क्या है? अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने जैसे ही मोदी को 100 सिर वाला रावण बताया, उसके बाद क्या होता है, पूरा जो भाजपा का प्रचार तंत्र है वो सक्रिय हो जाता है। गुजरात में तमाम जगहों पर यह संदेश फैलाया जाने लगता है कि देखो प्रधानमंत्री का अपमान किया जा रहा है, बेचारे प्रधानमंत्री पर हमला किया जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही हुआ था 5 साल पहले जब मणिशंकर अय्यर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नीच शब्द का इस्तेमाल किया था। अब वही काम रावण शब्द कर रहा है। इससे क्या पता चलता है कि गुजरात में वोट हासिल करने के लिए या तो आपको नफरत के सहारे की जरूरत पड़ती है या फिर सहानुभूति। और ये वो पॉलिटिकल पार्टी है जो 2.5 दशक से सत्ता में, आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, जिस व्यक्ति के बारे में बार बार कहा जाता है कि वो 56 इंच की राजनीति करते हैं, वो एक रावण शब्द से घबरा जाते हैं। और बार बार ये कहने की क्या जरूरत पड़ती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले किए जा रहे हैं? आपको याद है प्रधानमंत्री का बयान कि मुझे रोज 2-2, 3-3 किलो गालियां पड़ती हैं और मैं उस गाली को अपनी ऊर्जा बना लेता हूं। नहीं, प्रधानमंत्री उसे 2-2, 3-3 किलो गालियां नहीं कहते हैं, उसे आलोचना कहते हैं। और हकीकत यह है कि आलोचना का सामना करने की हिम्मत भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग डरते हैं। और आपको एक मिसाल देना चाहता हूं, राजदीप सरदेसाई का एक ट्वीट देखिए, पत्रकार राजदीप सरदेसाई। आप जानते हैं राजदीप इसमें क्या कह रहे हैं? 2 बातें कह रहे हैं। पहली बात, भारतीय जनता पार्टी ने साफ कर दिया है कि अब वो किसी भी ऐसी डिबेट में नहीं जाएंगे जहां आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हों। और दूसरी बात, उन्होंने गुजरात के तमाम समाचार पत्रों को कह दिया है कि आप आम आदमी पार्टी सरकार के विज्ञापन नहीं लेंगे, यानी कि हर अखबार में विज्ञापन देने का अधिकार सिर्फ बीजेपी को है। मगर आप इस खबर पर गौर कर रहे हैं, अभी आम आदमी पार्टी का सामना करने को नहीं तैयार है। अब ये न्यूज़पेपर्स को ब्लैकमेल कर रहे हैं या कह रहे हैं कि तुम लोग जो है आम आदमी पार्टी से विज्ञापन नहीं लोगे, ये क्या बतला रहा है? नफरत,
सहानुभूति और अब कायरता, ये क्या तीनों कॉम्बिनेशंस हैं मुझे भाजपा समझा दे। मुझे भाजपा यह समझाने का प्रयास करे कि आप आम आदमी पार्टी से डर क्यों रहे हैं डिबेट में जाने से, आप उनका सामना क्यों नहीं कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी गुजरात चुनावों के अंदर एक सीरियस प्लेयर है, वो चुनावों में शिरकत कर रहे हैं, आप उनका सामना करने को नहीं तैयार हैं, और आप गुजरात के समाचार पत्रों को यह कह रहे हैं कि आप लोग उनसे विज्ञापन भी ना लो। ये क्या सोच हुई भाई। हकीकत यह है दोस्तों कि भाजपा के पास न सिर्फ ये तीन या चार औजार हैं, नफरत, सहानुभूति और फिर विपक्ष पर दबिश डालना, और इसके अलावा सिर्फ एक मंत्र है, भूल जाइए आपका विधायक कौन है, भूल जाइए आपका मुख्यमंत्री कौन है, सिर्फ मोदी जी का चेहरा याद रखिए। और ये बात खुद मोदी जी कहते हैं, सुनिए मोदी जी ने क्या कहा था। हमारा भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कौन है आपको किसी को याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कमल का फूल याद रखिए। मैं आपके पास कमल का फूल लेकर आया हूं, अगर आपको कमल का फूल जब वोट डालने जाए दिखाई दे, समझ लीजिए कि ये भारतीय जनता पार्टी है, ये मोदी जी आपके पास आए हैं। एक देश का प्रधानमंत्री इस तरह से देश के संघीय ढांचे पर वार कर रहा है, उनके लिए विधायक के कोई मायने नहीं है, उनके लिए विधानसभा के कोई मायने नहीं है, यानी कि इनके लिए मुख्यमंत्री पद के कोई मायने नहीं है। इसलिए आप इन चुनावों में गुजरात के मुख्यमंत्री का चेहरा कहीं नहीं देखते हैं, जब खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मेरे चेहरे पर वोट दे दो, ऐसा कहीं आपने सुना है दोस्तों। तो ये तमाम तथ्य हैं जिनके जवाब बीजेपी के पास नहीं है, और फिर वो ज्वलंत सवाल कि क्या आप नफरत के आधार पर यह चुनाव जीतोगे, क्या नफरत ही है भाजपा के मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।